नमस्ते सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे है एंड एज यू नो ओमान में फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड होता है। इस दिन हम थोड़ा लेट तक सोते हैं और ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करते हैं, विच मीन्स हम ब्रंच करते हैं। इस दिन मैं कोई हाउस होल्ड चोर्स अपने लिस्ट में नहीं रखती बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मैं साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। सो फ्राइडे का दिन है और मैं अपने फेस पे ये लगाने वाली हूँ। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जब मैं राइस बनाती हूँ तो मैं उसका पानी जो स्टार्च वाला होता है वो फेस में लगाने के लिए निकाल लेती हूँ। सो मैंने अब ये एक बोल में निकाला है, इसमें मैं थोड़ा सा हनी डालने वाली हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा मिल्क जो बॉयल नहीं किया है वो मिल्क डालूंगी और फिर इसको मिक्स करके मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। मिल्क डाल रही हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा मिल्क डालना है बिकॉज हमें इस मिक्सचर को गाढ़ा ही रखना है, बाकी चीज़ें डाल के इसको पतला नहीं करना है, नहीं तो ये फेस पे स्टे नहीं करेगा। अब मैं इसको मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी। इस मिक्सचर को जब आप अपने फेस पे लगाएंगे तो इसको हल्के से मसाज करते हुए अपने फेस पे लगाना है। इससे एक तो हनी से आपके फेस पे ग्लो आएगा और जो स्टार्च है उससे आपके डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स भी वैनिश हो जाएंगे। इसको कम से कम 20 मिनट्स तक अपने फेस पे सूखने देना है। 30 मिनट्स रख सकें तो ज़्यादा अच्छा है। जब तक ये सूख रहा हो आप भी अपनी विंडो के पास बैठ के बाहर के नज़ारे का मज़ा लीजिए। शाम के 5:45 हो चुके हैं और अब हम बीच घूमने जाएंगे। उससे पहले मैंने चिकन में ये मसाला लगा के रख दिया है क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हम चिकन करी बनाने वाले हैं। इसको मैं फ्रिज में रख के जाऊंगी एंड आने के बाद मेरे हस्बैंड चिकन करी बनाएंगे। ही इज अ वेरी गुड कुक, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जाते हुए बीच में रुकने वाले हैं चाय लेने के लिए और ये मेरा फेवरेट टम्बलर है। सो हम ट्राई करेंगे रेस्टोरेंट में उनसे पूछने की कि वो इसके अंदर चाय दे सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। हमारे टम्बलों में चाय देने वाले हैं कि नहीं। गाइस फाइनली हमें चाय मिल गई है। वी सक्सीडेड एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू द बीच। पूरा बीच भरा हुआ है गाड़ियों से और हम जगह ढूंढ रहे हैं पार्किंग के लिए। ओके सो फाइनली यहाँ पे जगह है और हम यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकने वाले हैं एंड यू कैन सी सामने है बीच।
So guys, I found some of my friends here and they're all sitting. They offered me this juice, this chips, and everyone is sitting here. Say hi. Hi. हम सी साइड वॉक कर रहे हैं. बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है. यू कैन सी पीछे माउंटेंस हैं और बिल्कुल हम यहाँ सी के पास हैं. यू कैन सी दिस. फ्राइडे है, वीकेंड है, सो पूरा बीच फुल है. सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट्स आए हैं, वुमेन आर आउट, बारबेक्यू कर रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं. दैट्स व्हाट वी यूजुअली डू ऑन फ्राइडेज. कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं क्योंकि वेदर थोड़ा सा हॉट होने लगा है. सो आई थिंक देयर ऑल स्विमिंग. अब हम वापस जा रहे हैं अपनी कार की तरफ. वॉक हो गई है, चाय पी ली है, इंजॉय कर लिया है. सो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ. हेरिटेज मॉस्क है, वो बहुत सुंदर है और यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है. जो भी यहाँ पे आता है वो ज़रूर इसको देखने जाता है. माशाल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बस हम आगे पहुँच ही गए हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ. आप ने जो एक ऑसम कुक भी है, चिकन तैयार कर दिया है, चिकन करी बनाई है, साथ में ये नाचोज हैं और ये सैलेड है. और अब मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद हम डिनर करने वाले हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.